दोस्तों, अभी आप लोगों ने कुमार विश्वास को सुना, भगवंत मान को सुना, मनीष, गोपाल भाई, संजय सिंह, सब लोगों को सुना, आशुतोष, इन सब के बाद कुछ कहने को ज्यादा रह नहीं गया है। बस दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज दो जन्मदिन है, एक भगत सिंह का और एक CYSS का, और ये बड़ी खुशी की बात है कि CYSS का जन्मदिन आज भगत सिंह के जन्मदिन वाले दिन हो रहा है। यहीं से मुझे लगता है कि CYSS की विचारधारा तय हो जाती है और CYSS का आगे का कार्यक्रम भी तय हो जाता है। जैसे भगवंत मान ने और कुमार भाई दोनों ने बताया कि जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जा रहे थे तो वह किताब पढ़ रहे थे, और जहां तक उन्होंने किताब पढ़ी थी उन्होंने उसको फोल्ड कर दिया और कहा कि आगे की किताब आप अगली जिंदगी में पढ़ेंगे। तो भगत सिंह ने जो सपना देखा था, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। केवल अंग्रेज चले गए, इस देश का झंडा बदल गया, संसद में बैठने वाले लोग बदल गए, लेकिन जिस किस्म की आजादी और जिस किस्म के भारत का सपना उन्होंने देखा था वो पूरा नहीं हुआ। वो अब हमको और आपको दोनों को मिलके करना है, ये CYSS का काम है। आप सब लोगों का आज स्वागत है CYSS में, आम आदमी पार्टी में। आज आप एक ऐसी पार्टी का, ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सोच के देखिए, चार पांच साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। चार पांच साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर जन लोकपाल बिल का आंदोलन शुरू किया। उन लोगों ने एक सपना देखा, जरूरी है सपना देखना। सपना देखिए, निस्वार्थ भाव से सपना देखिए, अपने लिए सपना मत देखिए, देश के लिए सपना देखिए, और अपने तन मन धन सब कुछ उस सपने के लिए न्योछावर कर दीजिए। इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करेंगी और वो सपना जरूर साकार होगा। कोई सोच नहीं सकता था चार साल पहले तक कि कोई अन्ना आंदोलन होगा, कोई ऐसा आंदोलन होगा, इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतर आएंगे और एक ऐसी क्रांति होगी, अगस्त क्रांति होगी, आजाद भारत की पहली ऐसी क्रांति थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, ऐसे लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई, हम सब लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई। कभी हम लोगों ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी बनी। जब पार्टी बनी सब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि इनकी तो दो सीट आएंगी, तीन सीट आएंगी, चार सीट आएंगी। एक साल के अंदर इस पार्टी ने इतिहास रच के दिखाया, दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज होकर दिखाया। कोई सोच नहीं सकता था, इम्पॉसिबल मानी जाने वाली बात थी, कभी नहीं हुआ था। एनटी रामाराव का एग्जाम्पल लेते हैं लोग, लेकिन एनटी रामाराव ने जिन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था वो सारे पॉलिटिशियन लोग थे। आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को खड़ा किया था उनमें से एक भी आदमी पहले चुनाव नहीं लड़ा था, सब आम लड़के लड़कियां थे जिन लोगों को चुनाव में लड़ा था। मैं 3 लाख रुपए में चुनाव लड़ा था शीला दीक्षित जी के खिलाफ। कभी सोच सकते थे 3 लाख रुपए में चुनाव लड़ा जाता है? ये लोग 20-20, 30-30 करोड़ रुपए खर्च करते थे चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। राखी बिरलान, उसने राजकुमार चौहान को हराया था, राजकुमार चौहान 20 साल से एमएलए था, 1000 करोड़ रुपए का मालिक बताते हैं, राखी बिरला तो कोई नहीं जानता। कैसे हराया? सपना देखा और उस सपने पे काम करना शुरू किया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके बाद हम लोग कहा करते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा सपना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा सपना है, लेकिन जब आपस में बैठ के बात करते थे लोग कहते थे बकवास कर रहे हैं, भारत से भ्रष्टाचार दूर हो ही नहीं सकता। कई लोग तो यहां तक कहते थे भारत के लोग तो जन्मजात भ्रष्टाचारी हैं, इसमें भारत से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता।
दोस्तों, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा, दिल्ली में सरकार बनी और 49 दिन के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करके दिखाया था हम लोगों ने। मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में किसी से पूछ लो, आप लोगों का शायद रोज पाला नहीं पड़ता, किसी ऑटो वाले से पूछ लो, किसी से पूछ लो, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे 49 दिन के अंदर, एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे 49 दिन के अंदर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए थे, ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप बनने लग गए थे, सरकारी अस्पतालों के अंदर पहले दवाइयां चोरी होती थी, सरकारी अस्पतालों के अंदर लोगों को दवाइयां मिलने लग गई थी, छोटी बात नहीं है। 49 दिन के अंदर अगर हमने भ्रष्टाचार दूर करके दिखाया दिल्ली से, तो इसका मतलब हम लोगों का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोयले की खदानें बांटी होंगी उन दिनों में, जब अपनी अपनी कंपनियों को और उसके बाद मनमोहन सिंह ने खदानें बांटी थी, इसको दे दी खदानें, उसको दे दी खदानें, अपने रिश्तेदारों को दे दी खदानें, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन प्रशांत भूषण नाम का प्राणी खड़ा हो जाएगा और इनकी सारी खदानें कैंसिल करा देगा। तो दोस्तों, आज आप ऐसी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं जिसकी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोग सपना देखिए, उस सपने के लिए काम करना शुरू कीजिए, अपना तन मन धन सब कुछ दांव के ऊपर लगा दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर वो सपना भगवान जरूर पूरा करेगा। आज जब मैं यहां पे आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। आज आप लोग अपना अपना समय निकाल के यहां पे आए, बहुत सारे लोग सीवाईएसएस के जिम्मेदारियां भी ले रहे हैं। मैं सोच रहा था जब मैं आईआईटी खड़गपुर में होता था, अच्छी खासी मेरी सीजीपी आई थी, अच्छा खासा ग्रेड था, 8.6 के करीब था, हमारे 80% लोग विदेश चले गए थे। मैं चाहता मैं बड़े आराम से विदेश जा सकता था, लेकिन एक जुनून था। उस टाइम हम आपस में बात किया करते थे, सारे स्टूडेंट्स बैठ के हम लोग आपस में बात करते थे, लोग कहते थे यार इस देश में रहने से कोई फायदा नहीं है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यू कांट प्रोग्रेस इन दिस कंट्री, यू डोंट हैव एनी फ्यूचर इन दिस कंट्री। तो हम कुछ लोग सोचा करते थे यार अगर हम भी छोड़ के चले गए इस देश को बचाएगा कौन, कोई अमरीका से तो लोग आएंगे नहीं बचाने के लिए, कोई इंग्लैंड से थोड़ी आएंगे लोग बचाने के लिए, हम भी अमरीका और इंग्लैंड चले गए तो फिर इस देश के अंदर कौन रहेगा। और उस वक्त हमारे टाइम में 1989 में मैं पास आउट किया था, हमारे टाइम में हमारी ट्यूशन फीस होती थी, मेरी ट्यूशन फीस हर महीने 32 रुपए महीना होती थी। तो ये देश देता था, वो गरीब गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, वो टैक्स देता था, उसके टैक्स से पैसे में पड़ता था। तो एक मन में विचार आता था कि जब इस देश ने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी इस देश के लिए कुछ करना। तो रुक तो गया मैं, उसके बाद टाटा स्टील में चला गया, थोड़े दिन मदर टेरेसा के यहाँ जाके काम कर लिया, फिर IRS में चला गया। IRS में भी जब गया, मसूरी में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं अपने टीचर्स के पास गया वहां पर मसूरी में। मैंने कहा मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस सर्विस में मैं कुछ कर सकता हूँ। उनके पास भी कोई चारा नहीं था। मैं आज ये सोच रहा था यहाँ आते हुए कि आप जैसे ढेर सारे लड़के लड़कियां हैं, आप जैसे ढेर सारे युवा हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। आम आदमी पार्टी ने आज आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है। काश मेरे जमाने में भी कोई आम आदमी पार्टी होती जब मैं IIT खड़गपुर में था, काश उस टाइम भी अगर कोई पार्टी होती, मैं पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सीधा जाके उस पार्टी में ज्वाइन कर लेता। तो दोस्तों, आज आप एक ऐसे आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जो आपको एक मौका दे रही है कि आप देश को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं। मन में कई बार ख्याल आता है, आप लोगों के भी मन में आता होगा कि पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, रोटी कहां से खाएंगे। जैसा मैंने अभी आपको कहा, सपना देखिए, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दीजिए। अगर ऊपर वाले को इफ ही हैज टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सन 2000 के अंदर मैं इनकम टैक्स के अंदर काम किया करता था, 2000 में मैंने छुट्टी ली, पहले 2 साल स्टडी लीव ली, स्टडी लीव में तनख्वाह मिलती है, उसके बाद तनख्वाह मिलनी बंद हो गई और मुझे नहीं पता था पैसा कहां से आएगा। 1 साल मेरे एक दोस्त ने मेरे को पैसा दिया, उसके बाद 2 साल तक एक और NGO मिल गई, उसने मेरे को पैसा देना चालू किया, उसके बाद ये मनीष मिल गया, सबसे पहले मिला था, 5 साल तक ये भी पागल हो गया, इसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। जब ये नौकरी छोड़ रहा था, इसके मन में भी यही प्रश्न था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आ गया।
तो घर के खर्चे की चिंता कभी मत करना। अगर ऊपर वाले को आपको जिंदा रखना है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपको जिंदा जरूर रखेगा, आप तो बस निकल पड़िए इस देश के लिए मरने निकलने के लिए। दोस्तों ये CYSS को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझिए जहां पे आके आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और मेरा ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन का भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज हमारे देश की जिस किस्म की राजनीति है, इस राजनीति के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। जैसे भगत सिंह का एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि एक तरफ इस देश के अंदर इतने अमीर लोग हैं और एक तरफ इस देश के अंदर इतने गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी खाई क्यों है, और वो खाई आज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है ये अमीर आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अमीरों के खिलाफ हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं गरीबों का वो हूं, लेकिन ये प्रश्न तो उठना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है ये अमीर आदमी इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और गरीब आदमी काम नहीं करता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये इतने अमीर आदमी अमीर कैसे बन रहे हैं और गरीब गरीब कैसे है। दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियां हैं, दिल्ली के अंदर वो पैसा खिला के बिजली के रेट बढ़ाती रहती है, बिजली के रेट बढ़ाती रहती है, बिजली के रेट बढ़ाते रहते हैं, नाजायज बिजली के रेट बढ़ाते हैं। तो वो अमीर होते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं, कैसे होते जाते हैं, हमारे जेब से पैसे निकलते जाते हैं, हमारी जेब से पैसे निकलते जाते हैं, तो वो अमीर होते जा रहे हैं, अंबानी अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर 2.5 लाख ई रिक्शा वाले काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आज 6 महीने हो गए, हाई कोर्ट ने कहा इनके लिए पॉलिसी बनाओ, सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई, और अब 2 महीने से हाई कोर्ट ने 2.5 लाख लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। 2.5 लाख लोग आज बेरोजगार होके, और वो ऐसे लोग हैं जो पूरा सुबह से शाम तक कमाते हैं और शाम को अपना पेट भरते हैं, उनके पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो वो और गरीब होते जा रहे हैं और ये लोग और अमीर होते जा रहे हैं। इसी व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह ने आवाज उठाई थी। इसी व्यवस्था अगर हम व्यवस्था ठीक कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरों को जेल भेजना, मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरों की जायदाद छीन के बांटनी है, मैं ये कह रहा हूं ये व्यवस्था ऐसी करनी है कि जो लोग गरीब हैं अपने आप, अमेरिका के अंदर अगर आप US जो जो लोग गए हैं, अगर आप अपने वहां अपने घर पे एक नौकर रखते हैं, वो नौकर की तनख्वाह कम से कम $3,000 पर मंथ होती है और आपकी तनख्वाह $6,000, यहां से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके कोई जाता है तो उसकी तनख्वाह $6,000 होती है, आपसे 50% होती है। लेकिन हमारे भारत के अंदर अगर हम किसी नौकर को रखते हैं उसको इतनी तनख्वाह भी नहीं देते कि बाहर वो एक झुग्गी किराए पे ले सके। तो दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह ग्लोबलाइज हो सकती है, उसके अंदर हम ग्लोबलाइजेशन और मार्केट की बात करते हैं, तो फिर नीचे वालों की तनख्वाह भी तो ग्लोबलाइजेशन उसी के आधार पर होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न उठने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास सारे जवाब हैं, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी के पास सारे जवाब हैं, लेकिन इन प्रश्नों के को उठाना चालू करेंगे, इनके बारे में सोचना चालू करेंगे, तभी हम लोगों को दिशा मिलेगी। तभी आज जो भगत सिंह के जन्मदिन के ऊपर हम लोगों ने CYSS शुरू किया है, ये साकार होगा। दोस्तों आप सब लोगों का भारत का क्या विजन है? आप सब लोग कैसा भारत चाहते हैं? आप सब लोगों का अपनी जिंदगी के बारे में क्या विजन है? आप अपने लिए कैसा भविष्य चाहते हैं? ये मैं जानना चाहता हूं। मेरा अपना विजन है, लेकिन जरूरी नहीं वो आपका भी विजन हो। और मैं जहां भी जा रहा हूं आजकल लोगों से यही बात कर रहा हूं कि हम सब लोगों का विजन मिलके जो विजन बनेगा वही भारत बनेगा। अकेले अरविंद केजरीवाल के विजन का भारत नहीं बनने वाला, इस 120 करोड़ लोगों के विजन का जो भारत होगा वही भारत बनने वाला है। तो मैं अपना ईमेल आईडी अभी आप लोगों को दे रहा हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने परसों भी दिया था यूथ सम्मेलन में, एक भी अभी ईमेल नहीं आया मेरे पास, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं parivartanindia@gmail.com। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे ईमेल लिखिए और आप बताइए कि आप कैसे भारत की संकल्पना करते हैं, आप कैसे भारत का सपना देखते हैं, और आप अपने बारे में क्या विजन रखते हैं, आप अपना कैसा भविष्य देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे ये लिख के भेजेंगे और हम लोग उस पर वार्तालाप करेंगे। एक चीज, यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोग CYSS में जिम्मेदारी लीजिएगा। ये पार्टी अब फ्यूचर में आप ही को संभालनी है, ये आप ही लोगों की पार्टी है, ये संसद भी आप ही लोगों को संभालनी है। जैसे भगवंत मान कह रहे थे कि आप ही इस देश का भविष्य है, अगली बार आप ही लोगों को चुनाव लड़ने हैं, आप ही लोगों को जाके संसद में बैठना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार टिकट मांगने सब लोग आ जाएंगे, लेकिन आप ही लोगों को लीडरशिप देनी है इस देश को, और लीडरशिप के लिए 2-4 क्वालिटीज बहुत जरूरी है।
सबसे जरूरी है आपका निस्वार्थ होना, और इसके ऊपर कुछ भी दिखावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता जो आप अगर दिखावा करेंगे, आप अगर झूठ बोलेंगे, जनता जान जाती है। अगर आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे, सारी देश की जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी है निस्वार्थ होना, दूसरी जरूरी है विजन होना, सपना होना, उस सपने के साथ जनता जुड़ती है। तीसरा जरूरी है टीम स्पिरिट। आप अकेले इस देश को नहीं बदल सकते, आपको इस देश के सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो टीम के अंदर काम करने की क्षमता होना। और चौथा जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप अनुशासन के अंदर नहीं रह सकते तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते। और हम चाहते हैं आप लोग फ्यूचर के लीडर हैं, हम चाहते हैं CYSS आम आदमी पार्टी आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि आप एक लीडर के रूप में उभर पाए और इस देश को, इस देश के भविष्य की लीडरशिप दे सके। CYSS का जन्म हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल CYSS JNU DU सबके चुनाव लड़ेगा और इस देश की स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी बदलेगा और आने वाले समय में इस देश की राजनीति को भी बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।